इस कोरोना महामारी के बीच जनपद रामपुर सहित पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। तालीम तरबियत वेलफेयर सोसाइटी जनपद रामपुर के अंदर ऑक्सीजन लोगों को फ्री उपलब्ध कराना चाहती थी, जिसको लेकर हमने रामपुर जिला प्रशासन को एक पत्र लिखा था। उस पत्र में हमने कहा था कि हम फैक्ट्रियों से ऑक्सीजन खरीद कर निःशुल्क लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर या ऑक्सीजन की आपूर्ति देना चाहते हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने हमें इसकी इजाज़त नहीं दी। लिहाजा इस दौरान हमने अपनी निरंतर कोशिशों के साथ साथ लोगों की मदद जारी रखी, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण आज हमारे बीच नहीं। अब हमने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का इंतजाम किया है, हम रामपुर के लोगों को सर्व करना चाहते हैं। ऐसे मरीज जिनको सांस लेने में कठिनाई हो रही है, वो फौरन तौर पर हमारी स्क्रीन पर दिए गए कॉलिंग नंबर पर फोन कर सकते हैं, जिनको एक कॉल पर उनके घर पर ही ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर उपलब्ध कराया जाएगा। हमारी टेक्निकल टीम जाकर उस घर में मरीज के अटेंडेंट को ये कॉन्सेंट्रेटर चलाना सिखाएगी, और जब उस मरीज के पास अपना सिलेंडर का इंतजाम हो जाएगा तो फिर ये कॉन्सेंट्रेटर वापस लाकर सैनिटाइज करके दूसरे मरीजों के लिए इसको रखा जाएगा। तो लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, ये कॉन्सेंट्रेटर रामपुर के लोगों के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। हम लगातार और हमारी पूरी टीम रामपुर के लोगों के लिए काम कर रही है। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी तालीम तरबियत वेलफेयर सोसाइटी के लिए दुआ कीजिए कि हम और बढ़ चढ़कर समाज के लोगों की मदद कर पाए।